लोग आए हैं जेवर टोल प्लाजा पे 8 जनवरी 2020 की सच्चाई जानने के लिए। जो एक्सीडेंट्स के बारे में स्टोरीज बताई गई हैं, सब कुछ बताया गया है, वो सब अब जानने के लिए आ जाए हैं। लाइव वीडियो इसलिए नहीं हो पा रहा बिकॉज यहाँ पे शायद नेटवर्क का इशू है, तो इसके लिए मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इनको पता है, उस इनको भी पता है ना। ये टोल प्लाजा का पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर मैं आई हूँ। हर हर महादेव। आपका नाम क्या है? गोपाल सिंह। गोपाल जी, आपको एक एक्सीडेंट के बारे में पता है जो 8 जनवरी को हुआ था यहाँ पे, जो एक थार थी बैरिकेड्स तोड़ते हुए निकल गई थी यहाँ से और आगे जाके एक्सीडेंट होकर के वो आदमी की डेथ हो गई थी। पता नहीं, आपकी ड्यूटी नहीं थी? अरे जब मैं आया था उस दिन बाइक लेके, बोल गए वो तो बैरिकेड तोड़ते हुए गई थी यहाँ से। हाँ, तो वो आप लोगों ने देखा था बैरिकेड तोड़ते हुए गई थी? हाँ जी, आपने देखा था। देखा। तो उसमें उसमें कोई गाड़ी में कितने लोग थे? उसमें से एक कूदा। हाँ, यहाँ पे। ओके, तो आप लोगों ने देखा था कि कितने हैं गाड़ी में टोटल लोग? नहीं, मेरी यहाँ पर गेट पर ड्यूटी रहती है ना। ओके। तो जो लाइन में जो थे वही बता रहे थे कि उनमें से एक कूद गया, फिर हमारे साहब उसे अंदर भी लेके। अच्छा, मतलब आपने नहीं देखा? नहीं। अच्छा, मैंने कूदते हुए नहीं देखा। आपने कूदते हुए नहीं देखा, गाड़ी जाते हुए देखी थी? गाड़ी जाते हुए देखी थी, टकराते हुए देखी थी। टकराते हुए भी देखा था आपने? हाँ। तो उसमें तब आपने ध्यान दिया था कि कितने लोग होंगे तकरीबन? नहीं, ऐसा ध्यान नहीं, लेकिन जो हमारे अधिकारी और जो वहाँ पे मौजूद थे वो यही बता रहे थे कि उसमें से एक बंदा कूदा है। एक बंदा कूद गया था। ठीक है गोपाल जी, थैंक यू सो मच। अभी मैं अंदर जाके इस बारे में थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करूंगी। ये लोग बता दें तो अच्छा है, नहीं तो मुझे धरना देना पड़ेगा यहीं पे बैठ करके। ये है जेपीज इंफ्राटेक जेवर टोल प्लाजा, यमुना एक्सप्रेस हाईवे। लेट्स सी कि कितना सच यहाँ पता चलता है और कितना झूठ। नहीं, सीधा अंदर चलते हैं, चलते हैं की क्या आवश्यकता। अंदर अथॉरिटी कौन है, उनसे बात करनी है। किस बारे में बात करनी है? एक्सीडेंट के बारे में। कौन है? हेलो, बोला बताओ। कहाँ पर?
अच्छा ये हैं जिनसे आप मिले थे? आठ जनवरी का एक एक्सीडेंट हुआ था जो यहाँ पे आपने जो नंबर दिए थे वो सब फेक है, वो नंबर वहाँ के नहीं है जहाँ से हमें फुटेज मिल सकती है। उसने मना कर दिया, लेकिन नंबर आपको कौन सा नंबर दिया था ये तो बताओ। फोटो भेज उसके लिए जाओ, लेकिन वो नंबर एक ही नंबर है। देखिए हमने सब जगह नंबर आपके जो थे ट्राई कर लिए, जो भी आपने दिया केवल एक ही नंबर है यमुना अथॉरिटी का। महाराज नंबर नहीं, महाराज फुटेज चाहिए, ठीक है? नहीं तो आज हम यहाँ धरना दे के बैठ जाएंगे। आप साधु समाज के लोग हैं, आपको नहीं सही है ये करना, ठीक है? ये मर्डर है और ये एक्सीडेंट नहीं था और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सिंपल एज दैट। मैं यहीं बाहर धरना देके बैठ जाऊंगी, मीडिया आएगी, अननेसेसरली आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। देखो ऐसा है, हमारे मुझे सुनना ही नहीं है, दो महीने से मैं सुन रही हूँ आपकी ऑल स्टोरीज, आई हैव हर्ड इनफ, नाउ इट्स आवर टाइम, आई थिंक यू शुड बी गिविंग अस द वो। आप कहाँ से अरेंज करते हैं फुटेज के लिए? आप यहाँ बैठते हैं, भेजते वहां पे हैं, आपने तमाशा समझ के रखा है। दो महीने से आप इधर भेज रहे हैं, उधर भेज रहे हैं। एक मिनट, पुलिस स्टेशन से बुलाइए, पुलिस वाले आपको फोन करते हैं तो आप लोग बोलते हैं अच्छा 7 दिन में ही फुटेज हट गई, पहले बोलते हैं 3 महीने फुटेज रहती है। क्या कहानी है? नहीं आप बताइए कहाँ से मिलती है फुटेज? वहां पे मैं अभी भेजूंगी आदमी को, आज फुटेज यहाँ से लेकर के हिलेंगे, नहीं तो आपके घर जाएंगे, वहीं खाना खाएंगे, आप ही के परिवार के साथ में बैठेंगे। लिख लीजिए आप ये। नहीं तो एक बात बताओ जो हमारे नहीं, हमें सुनना ही नहीं आपका बात, हमने 2 महीने से सुना है, 2 महीने से आपकी बात सुन रहे हैं, अभी आप सुनेंगे और हम देखेंगे बैठ करके। अभी आप तमाशा देखिए, आप लोगों को तमाशा करने का शौक है। कौन था वो उस दिन आदमी जिसने बोला फुटेज यहाँ से नहीं मिलती है? यही आदमी बोला था ना, ठीक है? दूसरा है तो उसको बुलाइए, बहुत तमाशा हो गया इन लोगों का। फुटेज जब यहाँ फुटेज मिलती नहीं है तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पर लगा करके सीसीटीवी अंडा दे रहा है इनका, सीसीटीवी इधर। हंस ले बेटा, जितना हंसना हंस ले, तेरे घर में एक्सीडेंट होके मरा नहीं है कोई अभी, आने दे वो टाइम, सब हंसी बंद हो जाएगी, जवान लोग मरेंगे घर में तो। और तुम लोग को पुलिस को बुलाना है, मैं खुद बोलती हूँ पुलिस वालों को बुलाओ, तमाशा हो तभी तुम लोग फुटेज निकाल के दोगे। इजीली तुम लोग निकाल के नहीं दे रहे हो ना, तो अभी तभी होगा, तमाशा निकलने के बाद ही लगता है। तुम लोग 4 पुलिस वालों को बुलाओगे, मैं खुद ही बोल रही हूँ बुलाओ, जिसको बुलाना है आज बुलाओ। और जो जो इसमें सपोर्ट करके गए ना, सबके घर में जवान डेथ हो ऐसी बद्दुआ है। एक्सीडेंट से मरे, तुम लोगों को भी कोई क्लू ना मिले कि उसका मर्डर हुआ है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट बना बना के दिखा दिया जाए तुम लोगों को। दो महीने से बेवकूफ बना रहे हैं, वहां से पता कीजिए, यहां से पता कीजिए, ये नंबर देते हैं, वो नंबर देते हैं, एक नंबर कोई लगता नहीं काम नहीं करता। वो बोलते हैं वहीं जाइए, वहीं से फुटेज मिलेगा। बेवकूफ समझ के रखा है इतना। बुलाओ बुलाओ ब्लडी, आज तो तुम लोग खुद ही पुलिस वालों को बुलाओ, मैं ही तमाशा करूंगी और मीडिया भी आएगी, तुम लोग का है ना असलियत पता चले। बेटा इधर ही बैठी हूं मैं, जब तक फुटेज निकलवा के नहीं दोगे धरना देके यहीं पे बैठी हूं। और चाहिए तो मैं बुलाती हूँ पुलिस वालों को, तुम क्या बुलाओगे? मैं पुलिस वालों को बुलाऊंगी। क्या हुआ? हर हर महादेव। एक्सीडेंट हुआ, मर्डर हुआ कि एक्सीडेंट हुआ, फुटेज खाली देने में इन लोगों को 2 महीने से लटका दिया हम लोगों को। अभी
साधु समाज को आके हाथ जोड़ रहे हैं, फिर भी हाथ जोड़ रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, जहां बोल रहे हैं, जो नंबर दे रहे हैं वहां डायल कर रहे हैं। अरे फेमस हो जाओगे बेटा, डोंट वरी, काम लोग तो तुम कुछ कर नहीं सकते, फेमस ही हो लो। एक छोटा सा फुटेज देने के लिए इतना तमाशा। ये भारत देश है हमारा, यहाँ पे मर्डर हो गया कि एक्सीडेंट हो गया किसी को नहीं पता। फुटेज के लिए 2 महीने से हमको लटका रहे हैं, बोल रहे हैं इधर आओ उधर जाओ, ये नंबर है उधर डायल करो, सब जगह जा लिया, लेकिन एक छोटी फुटेज निकाल के कहानी सब बता रहे हैं, लेकिन फुटेज देने के लिए इनको जोर आ रहा है। ये भारत देश है महान। नहीं जी बिल्कुल नहीं, थैंक यू सो मच फॉर ऑफरिंग मी चेयर महाराज, बहुत धन्यवाद। मैं एकदम ठीक हूँ, हमारा बच्चा चला गया शमशान में, खत्म हो गया, चला गया कैसे पता ही नहीं आज तक, यहाँ ठीक है क्या करूँ बैठ के, इट्स बीन 2 months आई एम वेटिंग फॉर माय फुटेज, दे आर नॉट गिविंग मी द फुटेज, नोबडी इज लिसनिंग, कोई सुनता नहीं है यहाँ पे। मुझे कोरोना नहीं है और आपको भी नहीं है, नहीं मुझे 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 प्रॉब्लम है, खांसी जुकाम है, इस वजह से मैं आपकी सेफ्टी के लिए और सेफ्टी के लिए लगा रखा। थैंक यू सो मच सर, इट्स बीन 2 months, वी आर वेटिंग फॉर अ फुटेज, स्मॉल फुटेज विच वी आर नॉट एबल टू ट्रेस वेदर इट वॉज अ मर्डर और जस्ट एन एक्सीडेंट। वी हैव रिक्वेस्टेड मेनी अ टाइम्स, आई पर्सनली कॉल्ड दिस टोल, आई स्पोक टू मेनी पीपल, दे सेड यहाँ जाइए, गए वहां से, उन्होंने बोला आप वहीं जाइए, फिर से यहाँ पे भेजा गया, फिर बोला नौहझील थाना जाइए, थाना गए, जहां जहां बोल रहे हैं पिछले 2 महीने में हर जगह जा चुके हैं। अभी 4 दिन पहले इनको मैंने भेजा कि आप वहां जाके कैसे भी फुटेज निकलवाइए, इनको 4-5 घंटे यहाँ बिठाया गया लेकिन फुटेज नहीं दी गई। नाउ टेल मी व्हाट, ऐसा है हम आपको कोई भी फुटेज जी डायरेक्टली नहीं दे सकते, आप एक एप्लीकेशन यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी में दीजिए, ओके, वहाँ से हमारे यहाँ मूव करेगी और हम उसका पूरा रिप्लाई डिटेल बना के दे, और तब तक फुटेज निकल जाएगी। नहीं फुटेज तो आपकी निकलेगी,
वीडियो हमारे पास 6-7 दिन रहती है, उसके बाद रहती नहीं। आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी गाड़ी की, कब क्रॉस किया, कब कहाँ। वो डिटेल्स ऑलरेडी हमारे पास है, वो डिटेल्स हमें आवश्यकता नहीं है, हमें फुटेज चाहिए। वीडियो फुटेज हम कहाँ से दे रहे हैं, नहीं यही है जिनसे आपकी बात हुई थी उससे। वीडियो फुटेज ये कैमरे ऐसे हैं कि 6-7 दिन ओवरहीट हो जाती है, पिछला खत्म होता रहता है। मेरी बात हुई है इस बारे में, जो केस कोर्ट में चला जाता है जहां पर डेथ होती है किसी एक्सीडेंट में, वो 3 से 6 महीने, जब तक क्योंकि 6 महीने एफआईआर की 6 महीने की मियाद होती है, तब तक वो फुटेज रखना जरूरी होता नहीं, है हमने हमारे यहाँ नहीं ऐसा कुछ। तो देखिए फुटेज के बिना तो मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। अब आप फुटेज को गायब कर दिया है या क्या कर दिया है, हम क्यों गायब करेंगे, वो हमें क्या पता। जब 3 महीने फुटेज रहती है तो 7 दिन में कैसे गायब होगा। 3 महीने आप ही के यहाँ से कहा गया, ठीक है अभी आप पलट जाइए, डिटेल मिल जाएगी 1 साल की। मुझे नहीं चाहिए, मैं डिटेल का क्या करूं। वीडियो फुटेज, मेरा वीडियो फुटेज ही मेरा प्रूफ है। वो ओवरहीट होती रहती है, मेरा देखिए मेरे यहाँ पे पूरा सीसीटीवी पता है और मुझे उसका फंक्शंस पता है। डोंट टेल मी अबाउट दैट, ठीक है, नहीं है तभी तो आप कह रहे हैं। डोंट टेल मी कितना इतना बड़ा आपका ये है, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पे। मेरे इसकी 1 महीने की है क्योंकि वो सिंपल एक आश्रम में लगा हुआ है। आपके यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसका केस चल रहा है ऑलरेडी, उसकी फुटेज गायब हो जाती है हफ्ते भर के अंदर, जबकि मैं 1 महीने के बाद वो आ रही हूँ तो मुझे भेजा जा रहा है, तो फिर किस लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि मेरी फाइट फुटेज के लिए है। बनाइए प्लीज वीडियो बनाइए। व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियर Threatening you? Yes. Really? What did I say? We don't have a video. What did I say to you? Can you please elaborate what threat I have given you? Now I am giving him the threat. He said 7 days mein footage delete ho jata hai. One second. I am not listening to you now because I have given you threat. All the recording is there from the beginning. Okay? What I have given you, not given you. Now you will ask for the footage. Wait and watch, Mr. Whoever you are. Now I am telling. जैसे मेरे आश्रम से एक जवान लड़के की डेथ हुई, इन लोगों ने फुटेज के लिए बेवकूफ बना बना के पिछले 2 महीने से यहाँ पे हमें बुलाते हैं। ये नहीं कहा गया पूरा करना बेटा, पूरा करना, क्योंकि मेरे पास पूरा फुटेज है, ठीक है, और ये फुटेज डिलीट नहीं होता है। अब याद रखिए, जो जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ ये अमावस आए तो उनके घर में भी कुछ हो जाए। दिस इज द थ्रेट नाउ, ओके, नाउ प्लीज गो अहेड विद दिस। इनके घर में भी कुछ हो जाए और ये भागते रहे हर जगह, इनको फुटेज ना मिले, इनको कोई क्लू भी ना मिले कि वो आदमी चला कैसे गया। भगवान करे यंग डेथ तब तक होती रहे जब तक इनको ये रियलाइज नहीं हो जाता कि किसी के घर में जब कोई मरता है, किसी आश्रम का बच्चा अचानक से चला जाता है और वो फोन करके बोलता है कि वो आ रहा है, अचानक से उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद वो फुटेज हमको नहीं दी जाती है, तो दूसरों के साथ क्या क्या होता है। हर हर महादेव।